बिल्ला हियर। ए बिल्ला, सामने क्या देख रहा है? अपने बाएं देख। असलम बिल्ला के सारे ठिकानों पर अब हमारा कब्जा हो चुका है। उसके सारे कारोबार और वफादार अब हमारी मुट्ठी में हैं। चामुंडा ब्रदर्स जुल्म के इतिहास में एक नाम बन चुके हैं भाई। आज बंबई शहर के लोग हम चारों भाइयों के नाम से कांपते हैं। जगन, सोने पे सुहागा तभी होगा जब असलम बिल्ला का दाहिना हाथ भूषण कुल्ला हमारे हाथ लग जाए। उससे क्या फायदा भाई? छोटे वो सोने की चिड़िया है, उसे कैद करके असलम बिल्ला के दो दिन के बाद होने वाले करोड़ों डॉलर्स के ड्रग डील का राज हम उससे उगलवा सकते हैं। लेकिन भाई, इतने कम समय में उसे पुलिस के चंगुल से निकालना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। छगन, इस जमीन पर इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। शहर के डॉन असलम बिल्ला की हत्या, असलम बिल्ला का दाहिना हाथ भूषण कुर्ला पुलिस की हिरासत में। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, राज्य के गृह मंत्री के बेटे का अपहरण। इंस्पेक्टर सिंधे। यस सर। सब ठीक है सर? सारा इंतजाम हो चुका? यस सर। तो फिर सुबह? ओके सर, ठीक है सर, कल सुबह ठीक 7:30 बजे। Thank you.
वेलकम मंत्री जी, वेलकम। भूषण को मेरे हवाले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ देंगे मंत्री जी, अवश्य छोड़ देंगे, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद। भूल गए मंत्री जी, अभी तो वादे के मुताबिक आपको हमें बॉर्डर भी पार कराना है। मुझे मालूम है, इसलिए मैं कार साथ में लेकर आया हूँ। वेरी गुड। जो भी हो मिस्टर, इतना याद रखना कि कानून को तुम इस तरह बार बार मजबूर नहीं कर सकते। कानून से हमारा कुछ रिश्ता ही ऐसा है मंत्री जी। भूषण को कैद करके कानून ने हमें मजबूर कर दिया था, और उसे आजाद करने के लिए हमने कानून को मजबूर कर दिया। मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। ऐसे भी जल्दी क्या है मंत्री जी, जब तक हम लोग भूषण और ड्रग्स बॉर्डर पार नहीं कर लेते, आप और आपका बेटा हमारी हिफाजत में रहेंगे। बच्चे को छोड़ दो, वरना इस मंत्री की खोपड़ी उड़ा दूंगा। अजय पापा, तुम ठीक हो ना अजय? हाँ पापा। मुझे तुम पर फक्र है इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम जैसे जाबाज कानून की ताकत हो। कीप द गुड वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भाई, जगन की मौत के बारे में सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन उसे मारने वाला इंस्पेक्टर अभी तक जिंदा है। वो भी मरेगा भाई, वो भी मरेगा। जीना मरना तो हमारे धंधे का दस्तूर है, लेकिन अफसोस सिर्फ एक बात का है, जिसके लिए जगन ने अपनी जान दे दी, वो कमबख्त भूषण हमें जिंदा नहीं मिला। भूषण? भूषण तो आपके दुश्मन का आदमी था। हाँ, वो हमारे दुश्मन का आदमी था, लेकिन अगर वो हमें जिंदा मिल जाता ना, तो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता, क्योंकि वो आदमी नहीं, टकसाल था, टकसाल। लेकिन उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने हमारे सारे प्लानिंग पे पानी फेर दिया। भाई, आप कहो तो उस इंस्पेक्टर को ना। अभी नहीं, अभी मौका नहीं है। हमारे धंधे का उसूल है कि चुपचाप अपना काम करते जाओ, और जहां तक हो सके सबकी नजर से बचे रहो। एक पुलिस वाले पे हाथ उठाने का मतलब होगा कि सबकी नजर में आना, इसलिए उसे मारने के लिए हमें सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भाई, छगन ठीक कह रहा है। मैं आई। कम इन सर। कम इन। तो आपके लिए बहुत जरूरी मैसेज है। खूंखार उग्रवादी बख्तावर सिंह अपने साथियों के साथ जेल तोड़कर फरार हो गया है। व्हाट? बख्तावर फरार हो गया? यस सर। दो दिन पहले ही तो भीष्मा ने उसे एक खतरनाक मिशन के बाद बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। कमांडो शक्ति सिंह, भीष्मा कहाँ है? मिट नहीं सकती इंसानियत, मिटे चाहे इंसान, कूटनीति चलाए जितनी चाहे हैवान, कहती है ये धरती, कहता है आसमान, धर्म रक्षक है सबसे ही महान।
जब जब देगा रावण राज अधर्म और अन्याय को बढ़ावा, तब तब आएंगे अधर्म विनाशी, ये है दावा। दावा लाइट बुझाओ, लाइट बुझाओ। बख्तावर जगावर ने आज थारी जान बख्श दी। ए दारोगा, बख्तावर ने जो तुझे इनाम दिया है वो कभी तेरी सरकार तुझे दे भी नहीं सकती थी। सारी जिंदगी की नौकरी से तू सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोटी जुटा पाता दारोगा, सिर्फ रोटी। और बख्तावर के इस इनाम ने तुझे और तेरी 60 पुश्तों को माला माल कर दिया है दरोगा, माला माल। बख्तावर, यू पैसों देकर तने मारे पे कोई एहसान नहीं किया, ये मारो हक है, हक। बख्तावर जरा नीचे रह के बात किया कर, आगे चल के भी तने हमारी जरूरत पड़ सकती है। ए दरोगा, हम पैसा दे के काम करवाते हैं, तू नहीं करेगा तो तेरा दूसरा कोई भाई करेगा। बख्तावर होशियार बिचो, चिरागा बुझाओ, लाइट डालो। भीष्मा, मारे से गलती होगी, मैंने माफ कर दे। यो 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 तार रख ले, मारी जान बख्श दे। हाँ इंस्पेक्टर जगावर, तुम्हारा ये चेहरा देखकर आज भीष्मा को कानून और कानून के रखवाले दोनों से नफरत हो गई। मुझे तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी है मेजर भीष्मा। सर मैं जानते हो तुमने कितनी गलतियां की हैं। तुम्हारी पहली गलती ये रेजिमेंट के प्लेटून कमांडर के ऑर्डर के बगैर तुम बख्तावर और उसके गैंग का सफाया करने निकल गए। सर अगर ऑर्डर का इंतजार करता तो छुट्टी का एक और दिन मारा जाता ना सर। और तुम्हारी दूसरी गलती यह है कि तुमने इंस्पेक्टर जगावर को गोलियों से भून दिया। सर उस इंस्पेक्टर ने बख्तावर को भागने में मदद की थी। शट अप। और वो बख्तावर के पैसे खाता था। जस्ट शट अप। कानून के एक अफसर को मारकर तुम मुजरिम बन चुके हो भीष्मा। देश का रखवाला अगर देशद्रोही को मारकर मुजरिम कहलाता है तो मैं ऐसे कानून को नहीं मानता। अगर मैं उसे जिंदा आपके पास पकड़ कर ले भी आता, आपका सुस्त कानून सालों उस पर मुकदमा चलाता और शायद उसे बेगुनाह साबित करके बाइज्जत बरी भी कर देता। Then you are suspended for 2 months. I don't mind, sir. And you can go now. Thank you very much. मेजर साहब, आपको तलब किया गया था, बात क्या है? कुछ नहीं यार, सिर्फ मेरी 1 महीने की छुट्टी बढ़ाकर 2 महीने की कर दी गई है। अब मैं आराम से गांव जाऊंगा, माँ के हाथ का खाना खाऊंगा और अपने दोनों भाइयों के साथ मौज मस्ती करूंगा। Ah!
बाबू सिंह, इस लड़की की हालत तो बहुत खराब है, इसे तो अस्पताल पहुंचाना चाहिए। चल 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 चल। बहन जी, अरे बहन जी, बहन जी, आप फिक्र मत कीजिए, बाबू सिंह है ना, आपको अस्पताल पहुंचा देगा। आइए आइए, आराम से आराम से आराम से। ये क्या हुआ? ये जी, अरे मेरी गर्दन, हाथ है क्या तोड़ा? अरे मेरी गर्दन। चल जल्दी बटुआ निकाल। मैं हवलदार। अरे हवलदार होगा अपने थाने में, चल बटुआ निकाल। नहीं तो निकालता हूँ, निकालता हूँ। पूरे महीने की तनख्वाह है। हाय हाय मेरी गर्दन, हाथ है क्या तोड़ा? हाय हाय हाय। ये ले बेबी। ये भी है। मेरी गर्दन, पूरी तनख्वाह ले गई और ये मुझे दे गई। क्या सर? हसमुख सिंह, ये बारूद सिंह कहाँ है? सर वो तो हमेशा की तरह देर से ही आता है सर। वो कमिश्नर साहब वाली फाइल कहाँ है? वो भी उसी को मालूम है। आपने कभी कोई चीज मुझे रखने के लिए दी है? चाहे लीजिए सर। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, और जब बारू सिंह आ जाए तो मेरे पास भेज देना। सर मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आपने उसे बहुत सर चढ़ा रखा है। चाहे लीजिए ना सर, ठंडी हो जाएगी। बारू सिंह रिपोर्टिंग सर। तो आ गए आप जी, तुम जाओ। सर मैं जाता हूँ, मेरी वो बात याद है ना सर? हाँ याद है, याद है। जाओ जाओ। क्यों बारूद सिंह, ऐसे टेढ़े क्यों खड़े हो? मैं कहाँ टेढ़ा खड़ा हूँ सर, ये तो मेरी गर्दन टेढ़ी है। क्या हुआ गर्दन को? वो मैं रास्ते से जा रहा था सर, अब गिरते हुए झाड़ का तो कोई कसूर नहीं होता ना। हाँ गिरते हुए झाड़ का क्या कसूर है जी? कसूर तो तुम्हारी गर्दन का जो बीच में आ गई। यस सर। अब आप एक काम करेंगे। यस सर। जाके कमिश्नर साहब की फाइल लेंगे। यस सर। जाइए। जी सर। हेलो इंस्पेक्टर अर्जुन। इंस्पेक्टर अर्जुन स्पीकिंग। आज रात होटल ब्लू पार्क में एक न्यू ईयर पार्टी है, जहाँ पर हांगकांग से आए मिस्टर रॉबर्ट के साथ एक ऐसी ड्रग डील होने वाली है जिसके जरिए आप कई बड़े ड्रग डीलर्स को पकड़ सकते हैं। हेलो हेलो। तेरी बात कैसे मैं मानूं?
ड्रग्स का वो बॉक्स मेरे हवाले कर दो। बॉक्स? कैसा बॉक्स? तलाशी लो इसकी। सर, इसके पास कुछ भी नहीं है। सर, मैं समझ गया कि वो बॉक्स कहाँ हो सकता है। कहाँ? देखिए, उस गली में बहुत अंधेरा है। क्या आप मुझे उस गली के नुक्कड़ तक छोड़ सकते हैं प्लीज? थैंक यू। वैसे मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। आपको नहीं लगता कि म्युनिसिपैलिटी को इन अंधेरी गलियों में बत्तियां ज्यादा लगानी चाहिए? अब देखिए ना, इस अंधेरे का फायदा उठाकर कोई भी किसी को भी लूट सकता है। वो कैसे? वो ऐसे, जेब में जितना भी माल है जल्दी से वो माल मेरे हाथ में रख दे। ना रखूं तो मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगी। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। फिर चिल्ला चिल्ला के सारी पब्लिक को जमा कर दूंगी और वो पब्लिक तुम्हारी ऐसी धुलाई करेगी ना। उसके बाद पुलिस आ जाएगी और तुमको एक लड़की को रेप करने के अटेम्प्ट में 7 साल की सजा दे देगी। चल जल्दी से माल निकाल। अब तो निकालना ही पड़ेगा।
तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं उन अफसरों में से नहीं हूं जो औरतों की इज्जत करते हैं। मैं उन अफसरों में से हूं जो औरतों की इज्जत बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत ही कमीना और गिरा हुआ अफसर हूं। हाल ही में तुमने एक केस पढ़ा होगा, एक लड़की की लाश पाई गई थी बांद्रा की खाड़ी में, किसी ने उसका रेप कर दिया था। नेक काम इसी नेक बंदे ने किया था, इन्हीं नेक हासिल। साली बता नहीं रही थी कौन सी गैंग में है। रॉबर्ट से तेरा क्या कनेक्शन? मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी रॉबर्ट को नहीं जानती। तुम झूठ बोलती हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी रॉबर्ट को नहीं जानती। वो बॉक्स तुमने कहाँ पहुँचाया? कौन सा बॉक्स? वही जो न्यू ईयर पार्टी में रॉबर्ट ने तुम्हें दिया था। वो बॉक्स मुझे किसी ने दिया नहीं था। मैंने ये सोचकर चुराया था कि उसमें से मुझे कुछ माल मिल जाएगा, लेकिन उसमें तो पाउडर निकला। मैंने वो बॉक्स उठा के गटर में फेंक दिया। जितना मौका देना था अब मैं दे चुका हूं। मुझे लगता है अपने हरामी पने पे उतरना ही पड़ेगा मुझे। साहब, साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ऐसा ही कर सकता हूँ। साहब, मैं छोटी मोटी चोर तो जरूर हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी को अपने बदन पर हाथ लगाने नहीं दिया। लगता है आपको मेरी बात का यकीन तभी आएगा जब मैं अपनी जान दे दूंगी। hey! ये क्या बेहूदगी है? काश ऐसा ही कोई हाथ इस अनाथ पर बहुत पहले उठ गया होता तो शायद आज मैं इन सड़कों पर पॉकेटमारी नहीं कर रही होती। साहब, मैंने अब तक जो भी कहा है सच कहा है। अगर मैं रॉबर्ट जैसे किसी आदमी के साथ काम कर रही होती तो आज मैं आपको इन अंधेरी गलियों में नहीं, किसी शानदार होटल या बंगले में मिलती। देखो, तुम ये चोरी चकारी छोड़ दो और किसी अच्छे आदमी से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। आप मेरे साथ शादी करेंगे? आप मेरे साथ अपना घर बसाएंगे? क्यों, झटका खा गए ना साहब? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। सर, भारत सिंह, आप एक काम करो। जी। इस लड़की को छोड़ दो। जी। और ये थोड़े पैसे दे दो। ये भी दे दो। लगता है इस लड़की ने साहब को भी चूना लगा दिया।
बंटी मना किया था ना तेरे को, देख सारा कुर्ता खराब हो गया, सारा कुर्ता खराब हो गया, मना किया था ना तेरे को सीमा। सूरज कभी आया? मैं उस वक्त आया जब मेरे प्यारे प्यारे भैया अपने बेटे बंटी को अपना कुर्ता खराब करने के लिए डांट रहे थे और सीमा को आवाज दे रहे थे। भैया ये सीमा कौन है? मैं नहीं जानता किसी सीमा को। छोटे भाई से छुपाया जा रहा है? भैया आप इंस्पेक्टर होंगे लेकिन आपका छोटा भाई ना एक अदक ट्रक का मालिक है और उसने घाट घाट का पानी पिया है। आप नाटक मत करो, जल्दी मुझे बताओ। अबे कह दिया ना मैं किसी सीमा को नहीं जानता, पहले एक बात बता। हाँ वो तो कौन सा धंधा कर रहा है? हाँ ट्रांसपोर्ट का, कैसे चल रहा है? बताता हूँ, पहले लीजिए अपना मुंह मीठा कीजिए। भैया मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है पोल्ट्री फार्म से अंडे सप्लाई करने का। तेरी तो मैं तो चाहता हूँ तो दिन रात मेहनत करे, ट्रांसपोर्ट के धंधे में तो अव्वल नंबर आए। एक काम करते हैं, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, खाना खाते हैं और सुबह गांव भी तो जाना है। इतनी रात को कौन आया? मैं जाके देखता हूँ। देख जरा, आप मुंह हाथ धो लो। जी मैं वो। क्या आप ही सीमा जी हैं? आप मुझे कैसे जानते हैं? अजी मैं आपको ही नहीं, मैं आपके पति और आपके बच्चों को भी जानता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके पागल तो नहीं है? आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये सारा पागल सा है, ऐसे ही बकबक करता रहता है। आइए ना अंदर आइए। नहीं, नहीं, मुझे वापस जाना है, मैं तो सिर्फ आपके पैसे लौटाने आई थी। आपने मेरी सच्चाई पर विश्वास किया, मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया, मेरे लिए बस उतना ही काफी है। और हाँ, नकली शराब पीकर आप लड़कियों को काफी अच्छी तरह डरा लेते हैं। एक बात कहूँ, मैं थोड़ी देर के लिए वाकई डर गई थी। भैया आप तो कह रहे थे कि आप किसी सीमा को नहीं जानते, तो फिर ये? अबे चुप ना। ठीक है मैं ही इन्हें बता देता हूँ कि थोड़ी देर पहले आप इनसे शादी करके बच्चे। सीमा जी आप मेरी बात सुनिए। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी लाइन जोड़ रहा हूँ। ऐसी लाइन जोड़ी जाती है? चल यहाँ से, चल भाग। ये सूरज है, एक ट्रक का मालिक है और उसके साथ साथ उसका ड्राइवर भी है। मैंने सोचकर ही उसे अपने गोल्डन फार्म पर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जहां से हम अंडों में ड्रग सप्लाई करते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट दे ही दिया है भाई तो ठीक ही होगा। वैसे हमारे पास अपने भी कई ट्रक्स हैं, कई भरोसे वाले ड्राइवर भी हैं, फिर इसकी जरूरत? जरूरत है मदन, क्योंकि यह सूरज इंस्पेक्टर अर्जुन का छोटा भाई है। नाचे मस्ती में गाए प्रेम तराने, ओ मैडम हे मिस्टर सुनो।
लड़कों को झूमती हुई, दोस्तों की टोली चली झूमती हुई, चमचमाती सड़कों को झूमती हुई, सुनो गोरी गोरी नेम, टेल मी व्हाट इज योर नेम, हम तो आए शहर में तेरे बेटे मेरे साथ होते हैं। ये दोनों जब यहाँ आते हैं मैं अपने आप को तीन गुना महसूस करता हूँ, लेकिन ये दोनों नालायक एक रात के लिए रहने को आते हैं बस। भैया क्यों ना हम सब इकट्ठे होकर शहर में रहें, गांव की सारी जमीनें बेचकर आराम की जिंदगी गुजारें। तुम जैसे बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर शहर की अनजान दुनिया की तरफ भागते हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने बाप दादा की जमीन का सौदा नहीं करूंगा। वाह भैया वाह, आप तो कहते अपने छोटे भाई पर कभी गुस्से नहीं होते। मैंने जरा मजाक किया तो बरस पड़े मुझे। ऐसा मजाक दोबारा कभी मत करना। भीष्मा कभी हुआ था? हाँ सर, एक बार हुआ था। कोल्हापुर की लड़की थी सर, उसने मुझे मिलने के लिए अखाड़े में बुलाया। मैं मिलने गया सर, मेरे को क्या मालूम उसका बाप पहलवान मेरे को तीन बार उठा के पटका, चौथी बार बोला तेरे को इधर ही दफन कर देगा। बारू सिंह रिपोर्टिंग सर। सर मैं जाता हूँ सर, मेरी वो बात याद है ना सर। हाँ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। कितने बजे हैं? 12 बजे हैं सर। 12 बजे जी। ये पुलिस स्टेशन है या थिएटर? ये 12 बजे का शो देखने आओ तुम बेवकूफ। रुको जी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत ठीक है सर। गर्दन? गर्दन भी बिल्कुल ठीक है सर। बीवी बच्चे? बीवी बच्चे भी बिल्कुल ठीक है सर। पैसे वैसे है ना? पैसे वैसे हैं। आप पूछना क्या चाहते हैं सर? वो कब आएगी? वो कौन सर? वो सीमा। अच्छा वो हाँ। बहुत मनहूस लड़की है सर, सुबह अगर उसे देख लो तो सारा दिन खाना नसीब नहीं। शट अप। जी जी जी, मैं कल रात उसके घर पे गया था सर, वो आ जाने वाली है। कितने बजे? अब शाम को 4 बजे सर। 4 बजे शाम को 4 बजे आने वाली है? सुबह नहीं बुला सकते तुम उसे? जाहिल कह के बेवकूफ, न जाने कैसे लोग भरे हैं उस पुलिस स्टेशन में। अरे याद रखना
लड़कियां सुबह बुला करो, मुजरिमों को शाम को। सर, आपके लिए कोई ये लेटर दे गया। साहब, दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाए तो कहते हैं किसी से मोहब्बत हो गई है। कुछ ऐसा ही हाल आपके लिए मेरा भी है। अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत है तो आज 4 बजे मुझसे मिलने बंजारा हिल जरूर आना। सीमा। दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाए तो कहते हैं किसी से मोहब्बत हो गई है। कुछ ऐसा ही हाल आपके लिए मेरा भी है। अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत है मैं रहूं।
चलो चलो जल्दी जल्दी सामान लोड करो, टाइम नहीं अपने पास, चलो। अरे चलो चचा, सुस्ती मत करो, रजिस्टर खोलो, मेरी एंट्री करो, चलो चलो। राजा तुम्हारा ही काम करते ही। अरे चचा आज पूरे दिन बिठाने का इरादा तो नहीं है ना? ऐसे राजा नहीं, हमको काम तो करने दो। टाइम नहीं अपने पास, आज अपने को जाना अपने भाई से मिलने के लिए शाम को। क्या? हाँ और क्या है कि सामान मुझे बता दो किधर पहुँचाने का। अरे वही चांदी रोड जाने। पाउडर तो क्या हो गया, इतने दिनों से काम करते तुम देखते नहीं है, अंधा हो गया है क्या? लेके जाओ। लेके तो मैं जाऊंगा चाचा, लेकिन तुम्हारे पते पे नहीं, पुलिस स्टेशन। ओए बकरशाली को जाने मत दो। चामुंडा ब्रदर्स के खिलाफ गवाही देने वाले की जबान काट दी जाती है और तू हमारा ही भांडा फोड़ने निकला था? नहीं नहीं मदर, इतनी बेदर्दी से न मार बेचारे को। कितना मासूम है बेचारा। ऐसे मासूम लौंडे को तो तड़पा तड़पा के मारने में मजा आएगा। मार और मार मुझे, लेकिन यह मत समझना कि इस सूरज को मारने से सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। मेरे दो भाई हैं और जब वो सूरज बनकर आएंगे तो उनकी तपिश से ये चमुंडा राख हो जाएंगे। बहुत फक्र है ना तुझे अपने भाई पर, बहुत प्यार है ना उससे। कुछ दिन रुक जा, अर्जुन को भी तेरे पास भेज दूंगा। तुझे चामुंडा ब्रदर्स की ताकत का अंदाजा नहीं है। तुझे भी भीष्मा भैया की ताकत का अंदाजा नहीं है। जब उन्हें मेरी मौत की खबर मिलेगी तो वो तुम लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। उसे मारना नहीं, यह मरेगा मदन, लेकिन तब मरेगा जब इसके मरने से हमें फायदा होगा। लेकिन इसके मरने से हमें क्या फायदा होगा? बहुत पुरानी बात है मदन, भयानक जंगल से घिरा हुआ एक गांव हुआ करता था। उस जंगल में किसी शेर ने नहीं बल्कि दो कुत्तों ने आतंक फैला रखा था। उस गांव के लोग उस जंगल से गुजरने से बहुत डरते थे। एक बार उस गांव में एक चालाक शिकारी आ गया। उस शिकारी को उन कुत्तों के आतंक के बारे में पता चला। तब वह शिकारी निहत्ता हाथ में सिर्फ एक सूखी हड्डी लेकर उस जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही दोनों कुत्ते उसके सामने आकर खड़े हो गए, उसने वह सूखी हड्डी उन दोनों के बीच फेंक दी। उसके बाद उस सूखी हड्डी ने उन दोनों के बीच सारे रिश्ते तोड़ दिए। समझ गए भाई? समझ गए ना, तो दूसरे कुत्ते भीष्मा का पता लगाओ, सूखी हड्डी तुम्हारे पास है। झूठ को सच, निसच को झूठ बनावा वाला आए सैरी काला कौवा हमेरे गांव में क्या करे छे? सुनो ए सैरी बाबू, अरे प्यासा कुए ने पास जावे छे। हाँ पुआ प्यासे ने पास नथी जाता, समझी गया? अहिया आओ। केम बाबू, तू छे
भाई साहब आप बता सकते हैं कि भीष्मा किधर रहता है? पण तमें कौन? मैं उसका दोस्त हूँ भाई साहब। इस वक्त वो घर में नथी था है, गोदाम में था है। वो गली ना पिछवाड़ा चले जाओ, वहां पर गोदाम छे, समझी गया? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहर ना दूर गांव में शू करे छे? मंगल सिंह पन पीस काठियावाड़ी घोड़ो जरूर कोई गड़बड़ छे, देखवा पड़ से। भीष्मा, भीष्मा! अरे कौन है भाई जो सुबह सुबह भीष्मा को याद कर रहा है? तुम्हारा ही नाम है क्या भीष्मा? लो कर लो बात। अरे भीष्मा तो और बहुत से होंगे संसार में। देखो भाई, मैं वो भीष्मा हूँ जिसकी पहचान सूरज और अर्जुन है। फिर तो मैं सही जगह पर आया हूँ। मुझे अर्जुन ने भेजा है। अर्जुन ने भेजा? अरे तो बता क्यों नहीं रहे हो? आओ वकील साहब बैठो, बाहर क्यों खड़े हो? हाँ बैठो बैठो। कैसे हैं अर्जुन और सूरज, ठीक तो हैं? ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। अरे ऐसी गोलमाल बात मत करो, जल्दी बताओ क्या हुआ उन दोनों को, क्या किसी मुश्किल में है? लगता है तुम काफी भोले हो। मुझे तुम्हारे साथ इसके लिए हमदर्दी है। जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, तुम्हारा भोलापन देखते हुए कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही, पर क्या करूं, मेरा पेशा ही ऐसा है कि मैं कहने के लिए मजबूर हूँ। अब अगर पहेली बुझाई तो सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। बताओ ना बात क्या है। अर्जुन ने पुश्तैनी जायदाद में से अपना हिस्सा मांगा है। साले, भांग चढ़ा के आया क्या है? वकील के बच्चे, खबरदार जो मेरे भाई के बारे में ऐसी बात कही तो। तुझे अर्जुन ने नहीं भेजा है। अरे सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। आसमान अपनी ऊंचाई से नीचे आ सकता है, लेकिन मेरा भाई इतना नीचे नहीं गिर सकता। झूठ बोल रहा है तू। झूठ बोलने की जरूरत क्या है मुझे? मैं वकील हूं, मेरा पेशा वकालत है। अगर तूने अर्जुन की बात सीधे से नहीं मानी तो उसे मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्या उल्टा सीधा बके जा रहे हैं तू मेरे भाई के बारे में? साले उल्लू के पेट है, तू मानेगा नहीं जब तक मैं तेरी जबान नहीं खींच लूंगा। जबान नहीं खींची जाके मेरे भाई की खैर, जिस काम के लिए मैं तुम उससे तेरा जो बिगाड़ा होगा बिगाड़ा होगा। मुझे तो वकील बनाकर तेरे पास भेजा है। तुम दोनों भाइयों का क्या झगड़ा है मुझे क्या लेना? और तेरे पर यकीन नहीं तो देख, देख इसे, ये रहा वकालतनामा जो उसने मेरे नाम किया है, और ये रहा नोटिस, पकड़। मंगल सिंह आप बराबर मौका छे भीष्मा से पुराने थप्पड़ का हिसाब चुकाने का। सौतेला आखिर सौतेला ही रहेगा। ये मेरा खून है, मेरा अपना। मैं किसे कह दूं कि मेरा खून पानी हो गया? हो सकता है मुझ में ही कोई खोट है। अरे और शहरी बाबू, ए बाबू, ये भीष्मा से हार मानकर इतनी जल्दी कैम चल दिए? तमें तो कहता था कि भीष्मा तमेरा दोस्त है। आ दोस्ती दुश्मनी में कैम बदली थई गई। तुमसे मतलब? मतलब छे बाबू, मैं हूं इस गांव में रहने वाला मंगल सिंह, वन पीस काठियावाड़ी घोड़ो। तो मैं क्या करूं? एक बात समझ में नहीं आ रही बाबू, ये भीष्मा का गुण गाने वाला अर्जुन बदल गया है या बदली कर दिया गया है? सुनो, तुम अर्जुन को जानते हो? अरे बहू अच्छी तरह जानू छू, अर्जुन और सूरज दोनों मारी बहू इज्जत करे थे। बस उस भीष्म से एक पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। बाबू अगर तुम मारे साथ मां हाथ मिला लो तो समझो भीष्म बर्बाद थई जासे। वो कैसे? अब देखो, भीष्मा तो हमको अपना दोस्त समझे छे ना, तो हम उसी दोस्ती का फायदा उठा लेंगे। क्या कहना चाहते हो तुम? अरे बाबू, महंगाई का जमाना है, और गद्दारी करने से जो तरक्की मल से ना, तो गद्दारी गद्दारी ना कहलावे। समझ गया? शक्ल से जितने खड़ूस दिखते हो
अकल से उतनी समझदार लगते हो। अरे बाबू, यही तो हम तुमको समझाना चाहता था। अरे हम तो वो चींटा हैं जो बड़े से बड़े हाथी पण को लुड़का देवे छे। हाँ आओ मेरे साथ। अरे बाप रे बाप, मंगल सिंह तू तो बहुत सही ठिकाने पर पहुंच गया है। एम लगे थारी किस्मत चेंज थई गई। अरे बाबूजी, अरे हम मुंबई कई दफा आया पण ऐसा जलसा कदी नथी देख्या। और जलसा क्या, ये तो नौटंकी जे नौटंकी। उतना ही भौंको जितना कहा जाए, वरना भौंकने वाले कुत्ते को भाई गोली मार देता है। आ भाई कौन चीज छे? ये है वो नमूना। अरे बाबू, हम नमूना नथी थे, मंगल सिंह छू, 120 काठियावाड़ी घोड़ो। मदन, इसे ठीक तरह से समझा दिया है, इसे क्या करना है? अरे हम सब समझता है, तुम्हारा कहने का मतलब यही है ना कि एक माचिस की तीली से अखा परिवार को जलाना होगा। अरे तो समझो, जल गया परिवार पूरा। हाँ एक बार फिर से सोच लो मंगल, तुम्हारे एक तरफ अकलमंद अर्जुन है और दूसरी तरफ फौलादि भीष्मा। अरे इसमें सोचने की क्या बात छे बाबू? अरे अर्जुन पुलिस ऑफिसर ठहर गया तो क्या हो गया, हमेरे इन्हीं हाथों में पल पल कर बड़ा हुआ है। हाँ बस वो भीष्मा जी, इन्हें पासे खाली दौलत छे दौलत। अगर आज महंगाई नहीं होती तो हमेरे बराबर भी नहीं बैठने सकता। अबे उस भीष्मा को पता चलेगा कि मंगल क्या चीज थे। हाँ मंगल सिंह। अरे वन पीस काठियावाड़ी घोड़ो, थारे पुलिस थाने गया था, वहां पता चला कि तुम्हें घर पे हो तो हम आ गया यहाँ कि तुमसे बात करेगा। बात क्या मंगल? तुम्हें पहले आके खाना खा लो, नहीं तो बात सुनोगे तो मेरी भूख मर जाएगी। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, इतना बड़ा पुलिस अफसर बन गया लेकिन छे बिल्कुल भोड़ा भाड़ा हवे तक। सू करूं, बचपन में इन्हीं हाथों ने तुम्हें खिलाया पिलाया, लेकिन अब मेरा जमीर मुझे यहाँ पर घसीट के ले आया है। मैं नहीं चाहता कि तुम भीष्मा पे कोई भी। क्या हुआ भीष्मा भैया? अरे काहे का भीष्मा भैया, बड़ा प्यार जताता था तुमसे और तुम्हारे भाई सूरज के साथ, पण जमीन जायदाद की खातिर नियति बदली हो गई उसे। मंगल। अरे तुम्हें नहीं जानता रे अर्जुन, ये जमीन जायदाद का लालच ही कुछ ऐसा होवे छे कि जिसके दिल में एक बार आ जावे उसके दिल से सारे रिश्तों की डोरी टूट जाती है। और फिर भीष्मा कौन सा तेरा सगा भाई छे, ठहरा तो सौतेला ना। मंगल, भीष्मा को सौतेला बोलकर तुमने सारे रिश्ते तोड़ दिए, इसके बाद अगर एक शब्द ही बोला ना तो साले मैं तुझे तोड़ दूंगा। अरे मान लो मेरे को जितना जी चाहता है, हम तो तमेरे को अपना आदमी समझ के ये कहने आया था कि बचा सकता है तो अपने सगे भाई सूरज को बचा लो। क्या हुआ सूरज को, सच सच बता क्या हुआ? अरे बंटवारा तो घर घर में हुए थे, भाई भाई में हुए थे, लेकिन कोई भाई किसी का हिस्सा थोड़ी छीन लेता है। अरे मैंने तो भीष्मा को ये तक कहते सुना है कि वो सूरज का खून कर देगा लेकिन जायदाद का तीसरा हिस्सा नहीं देगा। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम दोनों को वो उजाड़ के रख देगा। आखिर हो ना सौतेले भाई, अरे तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे, ये सारी जायदाद वो लेके चला जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। एक दिन याद रखना, याद आएगी मेरी बात, मंगल सिंह वन पीस काठियावाड़ी घोड़ों ने क्या बोला था। खबरदार जो दोबारा अपनी मनहूस जबान लेकर इस घर में आया, साले काठियावाड़ के गधे। अबे अर्जुन मेरा भाई नहीं, मेरी जान है, मेरे घर का चिराग है।
जायदाद क्या, उसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। अरे मेरे को पता था कि सच्ची बात मेरे को कड़वी लगेगी, पर एक बात याद रखना भीष्मा, कभी कभी घर के चिराग से घर में आग लग जाती है। अरे मेरा नाम मंगल सिंह है, वन पीस काठियावाड़ी घोड़ो, देख लूंगा तो मेरे को। ये तेरी बदकिस्मती है कि तू उस इंस्पेक्टर अर्जुन का छोटा भाई है जिसने हमारे जगन को मारा था। आज मरने के बाद ऊपर जाकर भगवान से कहना कि इसके बाद अगले जन्मों में मुझे अर्जुन का भाई ना बनाए, वरना इसी तरह चामुंडा के हाथों हर जन्म में तू मरता रहेगा। वाह 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 रे मंगल सिंह वाह, वन पीस काठियावाड़ी घोड़ो। अरे सुन रे, बचपन में हमारी माँ को एक पंडित बोला था कि हमारी किस्मत में राजयोग लिखा है। अरे ये राजयोग ही तो है, सही कहा था ना पंडित ने? हाँ मंगल सिंह, बिल्कुल सही कहा था पंडित ने। मगर तुम्हारा एक काम अभी बाकी है मंगल सिंह। अरे वो पण हो जाएगा बाबू, हमें होते हुए तमेरे को काय की चिंता है। अरे अभी तो राजभोग होने दो। हाँ राजभोग तो अब तुम्हें सारी उम्र करना ही है मंगल। लो पहले ये काम कर। ए बाबू, खाती फकत हमेरे को कोई डिस्टर्ब करता है ना तो हमेरे को अच्छा नहीं लगता। अब ये जरूरी काम है इसलिए हम कर देता है, समझी गया? हेलो। अरे अर्जुन, अरे हूँ, अरे मंगल सिंह बोलू छु। हाँ बोलो मंगल। अरे अनर्थ हो गया रे, सर्वनाश हो गया। अरे मैंने तो मेरे को पहले ही बोला था कि थारा भाई भीष्मा पागल हो गया पागल। अरे तू अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है ना, तो दानापुर के बगीचे में अभी जाके अपनी आंखों से देख ले। हेलो बाबू, थैंक यू, पटी क्यों थारा काम। हाँ अबे मुझे खाने दो। हाँ नहीं मंगल, अभी तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम और बाकी है। जरूर पंडित ने तुम्हारी माँ से ये कहा होगा कि तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा है। अरे बात जी। लेकिन वो पंडित तुम्हारी माँ से ये बताना भूल गया शायद कि तुम्हारी मौत भी राजभोग करते हुए ही होगी। शुक्र है जो सूरज, सूरज देख तेरा भाई अर्जुन, सूरज
अर्जुन तुम? मेरे भाई को मारकर तुमने साबित कर दिया कि तुम सौतेले हो। क्या? सूरज? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, चलो मेरे साथ चलो। को अग्नि दो भीष्मा। हेलो, चिता को अग्नि मैं दूंगा। जिन हाथों ने सूरज का खून किया है उनसे उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा मैं। भाई के खून से किसके हाथ रंगे ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन, इस चीख का जवाब मैं भी दे सकता हूं, मगर इस वक्त मुझे अपने भाई की चिता को आग दे। भाई मत बोल उसे, तू कातिल है उसका। सैलाब बन गया है। मेरा मासूम सूरज मुझसे बिछड़ गया है। उसकी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई, माँ के आंसू अभी तक सूखे नहीं, और तुम दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हो। माँ, इंसान को अगर लालच की प्यास लग जाए तो वो कितने ही रिश्तों का खून कर सकता है। ठीक कहा तुमने, वो लालच की ही प्यास थी कि सगे भाई तक का खून कर दिया तुमने। सूरज का खून मैंने नहीं, तुमने किया है। अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते। अर्जुन, पागल हो गया तू भीष्म? पागल मैं नहीं माँ, पागल ये हुआ है। सूरज को इसने मारा है। सूरज को मैंने नहीं, सूरज को तुमने ही मारा है। गवाही के लिए मंगल सिंह से पूछ लो तुम। मंगल सिंह ही नहीं, तुम्हारे पापों की गवाही वो वकील भी देगा जिसको तुमने मेरे पास भेजा था जायदाद का बंटवारा करने के लिए। वकील, बंटवारा, अब कौन सी नई चाल चल रहे हो तुम? अरे तुम दोनों किस अंधेरे में हो? कौन मंगल सिंह, कौन वकील? अरे तुम दोनों को किसी ने अपनी गहरी साजिश का शिकार बना दिया है। जरा सोचो तो, जिस सूरज को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती थी तो तुम दोनों तड़प उठते थे कि उस भाई को तुम में से कोई मार सकता है। ये दुश्मनों की चाल है बेटे,
ये मेरे घर के चिरागों को बुझा देना चाहते हैं। तुम बड़े हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ माँ, ये सारी चाल उस मंगल सिंह और उस वकील की है, और वो दोनों अब मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। तुम्हारे आंसुओं की कसम है माँ, सूरज के कातिलों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, कातिलों को सजा तुम नहीं, कानून देगा। भाई की मौत का इंतकाम कानून का इंतजार नहीं कर सकता अर्जुन। नहीं बेटे, अर्जुन की बात सुन, मुजरिमों को सजा कानून ही देगा। अर्जुन का अपाहिज कानून मुजरिमों तक नहीं पहुंच सका माँ। फिर भी तू कहती है तो मैं इंतजार करता हूँ, लेकिन सिर्फ चंद दिनों तक, उसके बाद इंसाफ करेगा मेरा कानून। ओए, ये तो खुद इस साले इधर ही चला आ रहा है, जरा होशियारी से। इसको जानते हो तुम? ये तो सूरज ही सही, ये तो कई दिनों से यहाँ पर आया नहीं है। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो इसका कत्ल हो चुका है। कत्ल? ओए, हम कसम से कुछ नहीं जानते इसके बारे में। मगर मैं पता कर लूंगा। इस महीने के 10 तारीख को सूरज का कत्ल हुआ था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त यहाँ ड्यूटी पे कौन कौन था। एक तो हम दोनों था साहिब, और बस ड्राइवर भी था, इसमें सूरज भी शामिल था। बाकी के 4 ड्राइवर कहाँ हैं? उनका बुला, मैं उनसे पूछताछ करना चाहता हूँ। अब हम उनको कहाँ ढूंढेंगे साहिब? मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले वो लोग वहां पहुंच जाने चाहिए, समझे? सलाम साहब। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। शिंदे, मुंबई पुणे हाईवे पर गुजरने वाली हर गाड़ी, हर ट्रक की चेकिंग होनी चाहिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के जानी चाहिए, समझे? राइट सर। सर, जिन 4 ट्रक ड्राइवरों को आपने बुलाया था वो लोग आ गए हैं सर। कहाँ है वो लोग? लॉकअप में। चलो। बताओ, सूरज के कत्ल के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? हम लोग कुछ नहीं जानते साहब। हवलदार, तुम लोग सब बाहर जाओ, मुझे इन लोगों से कुछ पूछना है। बाहर जाओ सब लोग। इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। अरे साहब, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। क्या है साहब, अंदर क्या चालू है? अंदर हमारे साहब क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तुम अपना काम बताओ। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है साहब। कब तक फ्री हो जाएंगे? सर, सर प्लान के मुताबिक हमने हर जगह रेड डाली, लेकिन कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। सर, आपने जो मंगल सिंह का हुलिया बताया था, उस हुलिया का भी कोई आदमी नहीं मिला। लेकिन सर, कुछ दिन पहले मालाड पुलिस को एक लावारिस लाश मिली है।
जिसका हुलिया मंगल सिंह से काफी मिलता जुलता है। कोई फोटो? यह है उस लाश की तस्वीर। तुम जा सकते हो। मंगल सिंह ही वो जरिया था जो कातिलों तक पहुंचा सकता था, लेकिन अब भीष्म भैया को क्या जवाब दूंगा? उस साले पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन को अपन ने ऐसा चक्कर में डाला कि साला अखा जिंदगी चक्कर खाता रहेगा। वो कैसे गिरू? वो ऐसे कि उसके भाई को खलास किया अपन ने और पंगा करा दिया उसके और उसके सौतेले भाई में। बारूद सिंह, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? देखिए, मैं उन्हें एक जरूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तभी मैं सोचता था कि हमारी सारी खबरें पुलिस तक कैसे पहुंचती है। तुझे पकड़ने का सिर्फ यही एक तरीका था और आज आखिर तुझे ए, पकड़ ले। अगर आज आपसे ना टकराई होती तो शायद अब तक। ये वकील क्यों मारना चाहता था तुम्हें? वो वकील नहीं, इस शहर के डॉन चामुंडा ब्रदर्स का भाई छगन है और सूरज का कत्ल भी उन्होंने ही किया है। ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? इसलिए
कि मैं आज तक चामुंडा ब्रदर्स के साथ ही काम करती रही हूँ। कोई मजबूरी? हाँ, अपने खानदान की मौत का बदला लेना। साल भर पहले चामुंडा ब्रदर्स ने एक पुलिस ऑफिसर का खून किया था, जिसके चश्मदीद गवाह मेरे डैडी थे। मेरे डैडी की गवाही उन्हें फांसी दिला सकती थी, इसलिए ना सिर्फ उन्होंने मेरे डैडी को बल्कि मेरी माँ और मेरे मासूम भाई को भी मार डाला। चामुंडा ब्रदर्स से बदला लेने के लिए मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रही मैं खुफिया तौर पर अर्जुन को देती रही। ये तुम्हारी आखिरी इंफॉर्मेशन होगी। मेरा इंतकाम तुम्हारा बदला होगा। हर वक्त डॉगी को घुमाती रहती, तेरे बॉयफ्रेंड को जेलसी नहीं होती है क्या? अरे नहीं। अरे हमारी जिंदगी तो इस कुत्ते से भी बदतर है। देख कितना किस्मत वाला है ये कुत्ता, कैसे चिपका हुआ है लड़की के साथ। अगर इस कुत्ते की जगह हम होते तो हम भी ऐसे चिपके होते ना। हमारी तो किस्मत ही खराब है, रात दिन काम हम करते हैं और बॉस हमारा अपनी प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाता है। देखना एक दिन हमारे भी दिन फिर जाएंगे, हम भी ऐश करेंगे। अरे हमारी किस्मत खाक खुलेगी। हमारी किस्मत में तो लिखा है कड़कती धूप के अंदर ड्यूटी करना और ड्यूटी करना बस। तुम दोनों बजर बट्टू यहाँ क्या कर रहे हो? हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? आपने अपना वो काम छोड़ दिया क्या? मैंने अपना सारा बिजनेस बंद कर दिया है। कब से? जब से तुम्हारे साहब ने मेरे यहाँ चोरी की। चोरी? हमारे साहब ने आपके यहाँ चोरी की? इसका मतलब दफा 379। अगर आप कहें तो हम साहब को गिरफ्तार करें। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे साहब को मैं गिरफ्तार करने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। घर
नजराना कर रहा हूँ क्या जुर्म कर रहा हूँ मैं प्यार कर रहा हूँ क्या जुर्म कर रहा हूँ ओ जाना ले जाऊंगा उड़ा के अपना तुझे बना के ले जाऊंगा उड़ा के ओ जाना धड़कन में तू धड़कन में तू धड़कन में तू फ्यूज उड़ गया होगा चलो देखते हैं चलो आ जा चलो संभल के हैं ध्यान से बोलने की आदत नहीं है मुझे चामुंडा ब्रदर्स कहाँ है हमें नहीं मालूम तीसरी बार नहीं पूछूंगा मैं चामुंडा ब्रदर्स कहाँ है मैं सच बोल रहा हूँ यहाँ कई दिनों से वो नहीं आए हैं मैं तुम सबको जिंदगी उधार देता हूँ चामुंडा आ जाए उससे कह देना भीष्मा आया था और फिर आएगा कमाल है बिना देखे ही पहचान लिया तेरे हाथों की गर्मी को मैं बचपन से पहचानता हूँ कैसे आना हुआ आपके खिलाफ रिपोर्ट है चमुंडा ब्रदर्स के गोदाम में आपने जाके तोड़फोड़ की उन्हें मार देने की धमकी दी कौन चमुंडा ब्रदर्स बनने की कोशिश मत कीजिए अगर चमुंडा ब्रदर्स सूरज के कातिल हैं तो उन्हें सजा मिलेगी
मगर आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कानून को सबूत चाहिए और मैं कोई सबूत छोड़ूंगा नहीं। रेस के घोड़े रास्ते में रुकते नहीं हैं अर्जुन, बेकार जाएगी तेरी ये कोशिश। भैया मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मत आइए कानून के बीच में, चले जाइए अपने गांव प्लीज। अर्जुन जरा बाहर सड़कों पे जाकर इस शहर के शोर को गौर से सुनो, उसमें हमारे सूरज की चीखें सुनाई देंगी और जिस शहर में हमारे भाई की चीखें गूंजती हो वहां से उसके कातिलों को खत्म किए बिना मैं कभी नहीं जा सकता। तो एक बात मेरी भी गौर से सुन लेना, मैं भी एक ऑफिसर हूं, आपके किसी हरकत पर आपको हथकड़ी लगाने पर यह भूल जाऊंगा कि आप मेरे भाई हो। इंस्पेक्टर, सिगरेट हमारे हाथ से फिसल गई। जो आग बुझती नहीं उसे बुझा दिया जाता है। एग्जैक्टली। जैसे कि तुम उस बेकाबू भीष्मा को हमारे गोडाउन में तोड़फोड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करके आए हो। जी कानून की किताब में एक शब्द है सबूत, सबूत ना हो तो बेगुना तो क्या, गुनेगार को भी सजा नहीं मिल सकती। क्या बकते हो तुम, इसका मतलब उस मुजरिम को अभी तक तुमने गिरफ्तार नहीं किया? मुजरिमों को सीधे फांसी के तख्ते पर चढ़ाता हूं मिस्टर धवन, वक्त का इंतजार करो। तुम कहना क्या चाहते हो अर्जुन? वही जो तुम समझ रहे हो मिस्टर मदन, भीष्मा का तुम्हारे गोदाम में तोड़फोड़ करना यह साबित करता है कि सूरज के कत्ल में तुम लोगों का हाथ है। मगर अफसोस कानून सबूत का मोहताज है, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगा तुम लोगों को पागल कुत्तों की तरह घसीटता ले जाऊंगा। घर के अंदर तक तो तुम पहुंच गए इंस्पेक्टर अर्जुन, लेकिन यहां से बाहर सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी और अफसोस कि पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे लापता होने का सबूत तक नहीं मिलेगा। कमिश्नर साहब का फोन होगा, आते वक्त उन्हें क्या किया था कि मैं दो कुत्तों से मिलने जा रहा हूं। उठा लो फोन। थैंक यू। हेलो। हाँ धवन भाई, मैं बोल रहा हूँ छगन। हाँ कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम वहां क्या कर रहे हो? मेरे भाइयों ने अब तक तुम्हें गोली नहीं मारी? हाँ गोली मारने की पूरी तैयारी थी, मगर इन वक्त पे आपका फोन आ गया। बस दो मिनट में निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं बकवास बंद करो और मेरे भाई को फोन दो। ठीक है, आपके कहने के मुताबिक मैं फोन टेबल पे रख रहा हूँ। अगर आप गोलियों की आवाज सुनो तो सारी पुलिस फोर्स को लेके आ जाना और इन पागल कुत्तों को घसीटते हुए ले जाना। हेलो हेलो, सुना आपको कहानी सुनाने का बड़ा शौक है, चलो आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक शेर की, जिसे प्यास लगी थी, पानी ढूंढते ढूंढते वो दूसरे जंगल चला गया। वहां गया तो उसे दो शेर मिले, उन दो शेरों ने उसे रोक लिया, कहा कि तुम पानी नहीं पी सकते। घबराने की जगह वो शेर उन दोनों शेरों पर झपट पड़ा और उसके बाद पता चला कि वो दो शेर नहीं दो गधे थे। जब उन गधों ने ये पूछा कि शेर को कैसे पता चला कि वो शेर नहीं गधे हैं, तो उसने बोला बहुत आसान है, शेर जो होता है वो ये नहीं कहता कि वो शेर है, ठीक उसी तरह गोली चलाने वाला ये नहीं कहता कि वो गोली चलाएगा, गोली चलाने वाले सीधे ताक देते हैं गोली। मैं भी एक प्यासे शेर की तरह हूं, जिस दिन मुझे सबूत मिला उस दिन मैं तुम दोनों को
कमिश्नर साहब वो भाई मैं कमिश्नर नहीं, मैं छगन बोल रहा हूँ। छगन तुम? इसका मतलब इतनी देर तक वो तुमसे बातें करता रहा? भाई लगता है उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है और भाग गया। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। यस, मुझे इंस्पेक्टर अर्जुन से मिलना था। इंस्पेक्टर अर्जुन? उनका तो ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया, पर कहाँ? झुमरी तलैया। झुमरी तलैया? पर कल तक तो वो यहीं थे। थे, और अब नहीं है। ओके थैंक यू, चलो। अर्जुन भैया। भैया तुम मेरी कुर्सी पे क्या कर रही हो? तुम तो थे ही नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लूं। बैड आइडिया। क्या बात है भैया, आज आप अचानक कानून की दुनिया में कैसे आ गए? तुझे बताने आया था कि ये कानून की बैसाखी फेंक दे, किसी को सहारा नहीं मिला इससे आज तक। तो आज आप मुझे शिक्षा देने आए हैं? जरूरी था। देख इस लड़की को, इसके माँ बाप को भी चामुंडा ब्रदर्स ने जान से मारा है। ये रोज दौड़ती रही कानून के पास, फोन कर करके तुम्हें मुजरिमों का पता देती रही। क्या कर पाए तुम इसके लिए आज तक? अब कुछ नहीं कर पाए मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता इस छत के तले। धूप में आईने लगा के देखोगे तो आंखों को चकाचौंध के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। अच्छा है, तेरा जवाब अच्छा है। चलो दीप। एक मिनट भैया, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? गेटी सिनेमा में पिक्चर देखने जा रहे हैं, मूड हो तो आप लोग भी चल सकते हैं। नो थैंक्स, मैं ड्यूटी पर हूँ। ओके। खुद तो पिक्चर देखने जा रहे हैं और हम लोग को सुना गए लेक्चर। एक बात बोलूं? बोलो। छुट्टी के दिन ना हम लोग भी पिक्चर देखने जाएंगे और सिनेमा हॉल के सबसे कोने वाली सीट पे बैठेंगे। और अगर कोने वाली सीट ना मिली तो फिर पिक्चर देखेंगे और क्या। अरे बहुत सही पिक्चर है, मैं बता रहा हूँ। तुम चल के बैठो, मैं भी आता हूँ। मैं लाइब्रेरी गई थी ना, वहाँ मुझे सुप्रिया मिली थी, उसकी बर्थडे पार्टी है, उसने तुम्हें भी बुलाया है। हाँ कल। तुम्हें चाहिए? हाँ बिल्कुल। अच्छी है, दो देना। बड़ा बदतमीज आदमी है। वाओ दैट गुड, आपकी सैंडल बड़ी अच्छी है। See you later, baby. कैसा बदतमीज आदमी है जी? Thank you.
तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था ना? मैंने भाई भाई ने मारा था, मैंने बिल्कुल नहीं। सुनो, तुम जाकर थिएटर की लाइट ऑन करो। जी साहब। अर्जुन, तुम तो कह रहे थे ड्यूटी है, पिक्चर देखने नहीं आ सकता। भैया, चमुंडा ब्रदर्स के एक भाई मदन का खून हो गया है। मदन का खून हो गया है, ये तो खुशखबरी है, दुनिया से एक और शैतान कम हो गया। लेकिन मदन का खून तो कहीं बाहर हुआ होगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मुजरिम की तलाश में आया हूँ। मुजरिम सिनेमा हॉल में नहीं, गोदाम में कहीं छुपा हुआ होगा, उसे वहां जाके तलाशो, लोगों को पिक्चर देखने दो, जाओ ना। मुजरिम मेरे सामने बैठा है, सिर्फ मेरी मुश्किल ये है कि मेरे पास सबूत नहीं आपको पकड़ने के लिए। लगता है आपको गलतफहमी हुई है, हम तो शुरू से ही बैठे फिल्म देख रहे हैं। तुम दोनों मिले हुए हो और वैसे भी तुम दोनों की गवाही मायने नहीं रखती। अच्छा ठीक है, तुम्हें दीपा की गवाही पर विश्वास नहीं है तो किसी और से पूछ लो, उन बहनों से पूछ सकते हो। क्यों बहन जी? क्या ये आदमी शुरू से यहाँ पर है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत ही बदतमीज आदमी है, यह हमें शुरू से लेकर अभी तक छेड़ रहा है। भैया, आदमी दौड़ तो सकता है मगर वक्त से आगे नहीं। आपकी हर चलाकी का जवाब कानून के पास होगा, मेरी बात याद रखना। क्या हुआ भाई? वो क्या हुआ भाई? मैं पूछता हूं क्या हुआ भाई? क्या हुआ? भीष्म के हाथों मदद पा गया भाई। उन दोनों भाइयों का नामो निशान तक बेटा दो, जिसने मुझसे मेरे भाई को छीना है। गाने एक दो अच्छे थे, बाकी तो ठीक ठीक ही। दीपा, आज तुम्हारी मदद से मैंने अपने इंतकाम की पहली मंजिल पा ली है। थैंक यू। Thank you.
मैं इस वक्त अर्जुन के पास हूँ, तुम उससे मिलने फौरन चले आओ। तुम्हारी माँ Thank you.
भैया माँ कहाँ है? हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो आप। मैं इस वक्त तेरे पुलिस थाने में नहीं, अपनी माँ से मिलने आया हूँ। अगर आप जुर्म करके आए हो तो आपको माँ से मिलने कोई हक नहीं। मेरे जुर्म का अभी तक तेरे पास कोई सबूत नहीं है। भीष्मा। माँ। क्या हुआ माँ? ये कैसा आप शकुन है बेटे, मेरी आरती का दिया बुझ गया। अरे दिया बुझना तो सिर्फ इत्तेफाक है माँ, तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे पास हैं तो फिर अपशगुन कैसा? लेकिन माँ तुम अचानक इस तरह शहर आ गई। कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा बेटे, जैसे दुश्मन सूरज के बाद तुझे भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं। माँ का दिल कैसे मानता, तुम दोनों को एक नजर देखने चली आई। तुम दोनों से मुझे बहुत शिकायत है, दोनों शहर में रहते हो और अलग अलग। अर्जुन मैं तुम्हें चामुंडा ब्रदर्स के खिलाफ वारंट नहीं दे सकता। देखो अर्जुन, और उसके अलावा हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है। बस सर, कानून को एक ही शब्द आता है, सबूत 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 सबूत। बस सर, तंग आ गया हूं मैं शब्द से। जब भी हम लोग कुछ करने जाते हैं हमारे हाथों में सबूत ना होने के कारण हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती है। सर आज मेरी मां मर गई। सर आज मेरी मां मर गई। कल किसी बेगुनाह के घर में कोई मर जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है सर। कल आपके घर में कोई मर जाए फिर आप क्या करेंगे, सबूत के पीछे दौड़ेंगे? हाँ अर्जुन, तुम्हारी बात में वजन है लेकिन... सर लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, मैं बचपन से सुनते आया हूं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन सर कानून के हाथ लंबे नहीं होते, कानून के हाथ मोहताज होते हैं। और इसी मोहताजगी की वजह से हमारे सिपाही शहीद होते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या, एक बहुत बड़ा फंक्शन बुलाया जाता है, उसकी तस्वीर लगाई जाती है, उस पर तमगे लगाए जाते हैं, या उसके रिश्तेदारों को बुलाकर
उन्हें चंद पैसे दिए जाते हैं और आप जैसे बड़े लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं सर बस, और अगले पल उन्हें भूल जाते हैं। सर कब हमारे देश से ये मोहताजगी हटेगी इस सबूत की सर, कब? बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ भाई। क्या? छगन मारा गया। नहीं! भाई बिहारी अन्ना और कार्लोस को इन्फॉर्म कर दो कि कल रात 12 बजे चामुंडा मुंबई नगरी को बेच रहा है। ठीक है भाई। यह है मेरी मुंबई, हिंदुस्तान की ड्रीम सिटी। यह वो शहर है जहां बसने का ख्वाब हर हिंदुस्तानी की आंखों में बसता है, जहां हुकूमत का ख्वाब दुनिया का हर माफिया देखता है। आज तुम तीनों के साथ मैं इस शहर का सौदा करने जा रहा हूं। इसकी गोल्डन चाबी, जो कि चामुंडा ब्रदर्स के ताकत जलजलों और हौसलों से हासिल की गई है, आज उसकी बोली लगेगी। इतने से काम के वास्ते भाई, ये ससुरी भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? अरे फुनवा पे बोल दिए होते, दुनिया भर की दौलत तो हर कदमों में डाल देते। बिहारी बादशाह, चामुंडा तुमसे भी बहुत बड़ा सौदागर है। मेरे शराबखानों, सट्टा बाजार और पाप की दुनिया में पैसों का महासागर बहता है, मुझे दौलत नहीं चाहिए। तुमको क्या मांगता भाई? मुझे ये दो आदमी चाहिए जिंदा। सिर्फ दो आदमी? हाँ, बोली इनसे ही शुरू होती है और यहीं खत्म होती है। ये ससुरा सौदा कुछ समझ में नहीं आया भाई। अरे इन दो लौंडों को तो तुम अकेले ही काफी हो। जानता हूं, लेकिन चार दिनों तक मैं बाहर नहीं निकल सकता। मैं अपने भाइयों की मौत का शोक मना रहा हूं, लेकिन मुझे उनकी मौत का बदला चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर। तुम ऐसे जो भी ये शर्त पूरी करेगा, मैं मुंबई की गोल्डन चाबी उसके हवाले करके हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। मगर ये लोग हम लोग को मिलेगा कहां? वो लोग जरूर मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे ही किसी अड्डे पर पहुंचेंगे। यार इधर आ, इधर इधर बेटी ला, इधर ध्यान से।
मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। इस बंदूक में तेरे नाम की भी गोली है, बता चामुंडा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। चामुंडा का पता हम तुमको देता है रे, आए कुछ गरीब की जान मारता है भाई। ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉन है, वो साउथ का अन्ना है और वो नॉर्थ को हिला देने वाला बिहारी। आज देश के दुश्मन सामने खड़े हैं, अब ये इंतकाम ही नहीं महायज्ञ है। अर्जुन ये क्या बला है? इनका पार्सल है लगता है। हाँ देखूं तो, हाँ ये पार्सल आपके नाम आया है। अरे भाई ले लो ले लो, अरे लीजिए ना, बहुत भाग मजा आ रहा है, ले लीजिए। खिलौना से खेलने की उमरिया है तुहार, ये बंदूक बंदूक मत उठा। ससुर पटाखे बोटा बंद कर, ना ही तो तुहार भाई की खोपड़िया उड़ाई दे हैं। अर्जुन भाई इन कुत्तों से मत डरो, चलाओ गोली। अरे ससुर के खोपड़िया के ऊपर मौत नाचत है और कहता है डरना नहीं। नहीं नहीं, गोली मत चलाना, ये लो मैंने बंदूक फेंक दी। इसको बोलता भाई का प्यार। वाह बिहारी बादशाह, हमको तो पता भी नहीं था ये दोनों सुरमा इतना आसानी से हमारी चुंगल में आएगा। और इतना बड़ा मुंबई शहर अपुन के मुट्ठी में है, तुम दोनों जानता है, तुम दोनों की जान की कीमत के बदले चामुंडा भाई अपनी को मुंबई शहर का गोल्डन चाबी तोहफे में देगा। मगर एक प्रॉब्लम है, मुंबई शहर तो एक है और तुम लोग तीन, तो तुम लोग आपस में बांटोगे कैसे? और जायज बात यह भी है कि हम दोनों भाइयों को चामुंडा के पास लेके कौन जाएगा, तुम या तुम? हाँ। और जायज बात यह भी है कि जो हमें चामुंडा के पास ले जाएगा मुंबई नगरी उसी की हो जाएगी। हाँ। उसके लिए दो को मर जाना पड़ेगा और एक को जिंदा रहना पड़ेगा। अब भाइयों आप लोग फैसला कर लो कि आप में से जिंदा कौन रहेगा, ठीक है? और तब तक मैं अपने भाई के पास बैठा हूँ। हाँ आजा आजा। अच्छा भाइयों अटैक शुरू हो जाओ। अच्छा यहाँ बैठते हैं, रिंग साइड सीट। भैया क्या लगता है कौन जीतेगा इन तीनों में से? अन्ना, कम ऑन अन्ना। मेरे ख्याल से बिहारी जी। हाँ अन्नाज द मैन। अन्ना जीतेगा, देखना कितना तगड़ा है। आप देख लेना बिहारी जीत, क्योंकि बिहार के लोग होते बड़े तगड़े हैं। अरे देखे बहुत तगड़ा है, पिट रहा है साला। हाँ जहाँ ध्यान से देखना कौन पिट रहा है। आप देखो अन्ना मार खा रहे। अरे अन्ना अबे कुछ तो कर साले, अपनी इज्जत का तो ख्याल। एक तो गया और दो बचे। अब इन दोनों में देख लेना अन्ना ही जीतेगा। लगा लो शर्त। लगाओ।
मैं कहता हूँ बिहारी बाबू जीतेगा। अगर बिहारी जीता तो चामुंडा को मैं मारूंगा, और अगर अन्ना जीता तो चामुंडा को मैं मारूंगा। डन, फर्स्ट क्लास। ओके। द विनर। लो भाई, ये तो दोनों ही लुढ़क गए, वो तीसरा ही जीत गया। चलो मुबारकबाद तो दे दे। जीत गया भाई, जीत गया। अरे भैया वाह। अरे मुबारक हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। कमाल कर दिया तुमने। अरे पाचो, चमुंडा को फोन तो कर लो। हाँ जरा हमें उससे मिलना है। हाँ बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। जल्दी फोन करो, जल्दी। कार्लोस बोल रहा हूँ, पकड़ लिया इन चूजों को, आप जल्दी से आ जाओ। कार्लोस, तूने अपना वादा पूरा किया, अब इन दोनों को मारकर मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अर्जुन, जितनी चाहे हैवान, जब जब देगा रावण राज अधर्म और अन्याय को बढ़ावा, तब तब आएंगे अधर्म विनाशी। ये है ले जाऊंगा उड़ा के, ओ जाना।